हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए पोस्ट इन वर्डप्रेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रॉपरली कैसे एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन में। और गाइस, इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो डोमेन आप यहाँ पे देख रहे हैं www.dmcombat.xyz, ये डोमेन तो मैंने GoDaddy से परचेस किया था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने होस्टिंग यहाँ पर परचेस किया, उस होस्टिंग पे एक ऑफर है ₹120 में पूरे साल के लिए, और वो भी साथ में SSL सर्टिफिकेट भी फ्री में मिलेगा। और गाइस, तो आप वहां पर जाके परचेस कर सकते हैं होस्टिंग, और लिंक मैंने यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आप वहां पर जाके उस होस्टिंग को परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा ₹280 में भी पूरे साल का है और ₹425 में भी पूरे साल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं और उनमें आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, तो उस हिसाब से आप सोच समझ के डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छा प्लान भी वहां पर आपको ₹1,675 में मिल रहा है, बहुत अच्छा सा प्लान मिल रहा है। और साथ में आपको डीवी प्रीमियम थीम भी मिल रहा है उस होस्टिंग में। तो लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये वीडियो 10 मिनट का है, तो मतलब आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यार अगर सिर्फ एक पोस्ट ही क्रिएट कर रहे हैं हम इस वीडियो में तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो गाइस, इसमें मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा जो आपको पोस्ट क्रिएट करते टाइम ध्यान में रखना, ताकि आपकी वेबसाइट का SEO काफी अच्छा रहे। ओके गाइस, तो चलिए करते हैं पोस्ट यहाँ पर क्रिएट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डैशबोर्ड में आ चुके हैं। डैशबोर्ड में कैसे आते हैं वो मैंने एक अलग वीडियो में बता रखा है कि कैसे डब्ल्यू पी एडमिन में लॉगिन करना होता है, तो वो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, अब सबसे पहले हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पेज क्रिएट किया था, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑल पोस्ट मिलेगा और न्यू मिलेगा, तो अब हम क्लिक करते हैं ऑल पोस्ट पे। तो देख लेते हैं कि हमने कोई पोस्ट यहाँ पर क्रिएट कर रखा है कि नहीं। अब देखो, ये हेलो वर्ल्ड का है, ये बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है जब हम होस्टिंग लेते हैं और उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, तो ये पोस्ट बाय डिफॉल्ट होता है। हम इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही डिलीट नहीं कर रहा, कोई खास रीजन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऊपर एड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो हम इस एड न्यू पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें टाइटल डालना है और यहाँ पर हमारा पूरा कंटेंट डालना है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि पोस्ट क्रिएट करना तो कितना इजी था, ऐड न्यू पे क्लिक किया और पोस्ट का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे पब्लिश का बटन है, इजीली हम पब्लिश कर देंगे। गाइस, रुक जाओ एक बार, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो यार। यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी पोस्ट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पोस्ट का टाइटल। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शनैलिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको करने का प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक टाइटल लिखूंगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाउ टू राइट प्रोफेशनल रेज्यूमे इन 2020। ओके, अब सबसे पहले टाइटल में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी वर्ड, ठीक है, उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा अपन को कैपिटल रखना होता है। टाइटल का सबसे पहला रूल ये होता है, इस चीज को हमेशा फॉलो करते हुए चलना है। टू ए इन द ऑफ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम छोड़ सकते हैं, बाकी जो भी वर्ड्स होते हैं उसको हमें कैपिटलाइज करना होता है। तो ये हमारा पहला काम हुआ। अब हमारा दूसरा काम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक टाइटल के लिए। अब हम देखिए क्या करेंगे, इस टाइटल को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम इनकॉग्निटो विंडो ओपन करेंगे अपने ब्राउजर में। ये ऊपर तीन डॉट्स आप देख रहे हैं और यहाँ पर इनकॉग्निटो विंडो ऑप्शन का मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर हम उस टाइटल को सर्च करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सर्च करते टाइम अब हम देखेंगे कि यार ये जो चीजें हैं ये टाइटल किसी और ने लिया है कि नहीं लिया है। अब गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि गाइस एक और रूल है, वो ये है कि हमारा जो टाइटल है वो एकदम यूनिक होना चाहिए, जो आज तक किसी ने नहीं लिया है। कीवर्ड तो उसमें होना ही चाहिए, ठीक है, कीवर्ड की बात हम आगे करेंगे, कीवर्ड तो उसमें होना ही चाहिए, लेकिन जो हमारा टाइटल है वो यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा कीवर्ड जो है वो है हाउ टू राइट ए प्रोफेशनल रेज्यूमे, और आगे हमने इन 2020 और लिख दिया है। अब हमें देखना है कि ये यूनिक है या नहीं, तो चलिए हम इसको यूनिक कैसे करते हैं ये मैं दिखा देता हूँ। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी बता देता हूँ आपको। कम से कम हमारा जो यूनिक टाइटल है उस पर हमारी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए,
क्योंकि कीवर्ड पर रैंक होना हो उसमें तो टाइम लगेगा, बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारा काम करना पड़ता है, लेकिन मिनिमम अपना जो टाइटल है उस पर हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम यूनिक टाइटल यहाँ पर लिखते हैं। गाइस सीरियसली लेना इस बात को, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि यार यूनिक टाइटल देखते कैसे हैं कि हमारा टाइटल यूनिक है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे इस टाइटल को हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और उसके अंदर इस टाइटल को हम पेस्ट कर देंगे और अब हम इसको सर्च करके देखेंगे कि यार अब ये है कि नहीं। अब गाइस नीचे आ जाते हैं तो खैर वीडियोज है तो आप देख सकते हैं ये हमारा टाइटल यूनिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसके भी डिस्क्रिप्शन में है, इसमें भी डिस्क्रिप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, हर जगह टाइटल, तो बिल्कुल भी ये यूनिक नहीं है। तो अब हम इसको यूनिक करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमने क्रिएट की जगह राइट की जगह हमने डिजाइन लिख दिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं नो रिजल्ट्स फाउंड फॉर हाउ टू डिजाइन ए प्रोफेशनल रेज्यूमे इन 2020, रिजल्ट्स फॉर हाउ टू डिजाइन विदाउट कोट्स। ये देखो विदाउट कोट्स का रिजल्ट ये हमें शो कर रहे हैं, लेकिन विद कोट्स में उनके पास कोई भी रिजल्ट नहीं है। मतलब अब आप देखेंगे किसी भी डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक साथ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए टुकड़ों में मिल रहा है, यहाँ पे जो डार्क जो भी दिख रही है ना, इन चीजों पर ध्यान देना है हमें, जो बोल्ड दिख रहे हैं हमें, तो किसी भी टाइटल में ये एक साथ नहीं आ रहा। लेकिन पिछले केस में क्या था मैं आपको बताता हूँ, जब यहाँ पे पहले हमने राइट लिखा हुआ था तब आप ध्यान से देखें, एक तो वो नो रिजल्ट वाली लाइन नहीं मिल रही और ऊपर से इन सब ने डिस्क्रिप्शन में वो सेम टू सेम लाइन एक साथ लिख रखी है। आप यहाँ पे देखोगे तो हाउ टू राइट ए प्रोफेशनल रेज्यूमे 2020। अब अगर इन लोगों ने इस चीज को ऑलरेडी लिख रखा है तो हमारा कैसे रैंक होगा। यहाँ पर आप देखिए हाउ टू राइट ए प्रोफेशनल रेज्यूमे इन, आगे इनका दिख नहीं रहा है लेकिन वो आगे 2020 ही है। यहाँ पे हाउ टू राइट ए प्रोफेशनल रेज्यूमे इन 2018 के टाइटल में 18 है लेकिन यहाँ पर इन्होंने अंदर 20 कर दिया है। लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन जो भी है हम इसको लेते तो हमारा रैंक होना बहुत मुश्किल होता, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर डिजाइन ले लिया और उसको यूनिक बना लिया। तो गाइस इस तरीके से आपको भी अपने टाइटल को यूनिक बनाना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा बिल्कुल यूनिक है, हम इस टाइटल को ले सकते हो। तो अब यहां से इसे कॉपी कर लो और अपना जो पोस्ट है यहां पर आप इसको पेस्ट कर लो। ओके, टाइटल का काम यहाँ हो गया। अब हमें यहाँ पर कुछ चाहिए कंटेंट डालने के लिए, ठीक है। अब कंटेंट देखो हमने पूरा लिखा लिख तो रखा नहीं है, तो आपको दिखाने के लिए मैं आपको सिंपली यहाँ पर लोअर एम एप्सम से थोड़ा कंटेंट उठा लेता हूँ और वहां पर मैं पेस्ट कर लूंगा इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा कंटेंट उठा लेता हूँ, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। थोड़ा सा और कंटेंट ले लेते हैं, इसमें भी। ओके, तो गाइस हमने कंटेंट यहाँ पर ले लिया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूँ, ये जो चीज है हमने जो टाइटल लिया है यहाँ पर, आपके टाइटल में जो ये मेन कीवर्ड है हाउ टू डिजाइन ए प्रोफेशनल रेज्यूमे इन 2020 की, जो आपका मेन कीवर्ड है वो मेन जो कीवर्ड है आपका कहीं ना कहीं इस पहले पैराग्राफ में होना चाहिए, ठीक है। आपको ये हमेशा करना है, आपके पहले पैराग्राफ में वो मेन कीवर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है, ओके, यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब ये पहले अगर पैराग्राफ में होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, एसईओ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब कंटेंट तो आप लोग डाल ही लोगे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कंटेंट डाल लोगे। अगर आपको किसी कोई चीज को अगर आपको जैसे बोल्ड करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा कीवर्ड है ये थोड़ा बोल्ड हो जाए तो मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को मैं लिंक देना चाहता हूँ तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट किया और उसमें लिंक पर क्लिक करूंगा, जो भी लिंक देना होगा वो मैं यहाँ पर दे के एंटर पर क्लिक कर दूंगा तो वो लिंक उसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, कि जो आपका ये जो पोस्ट है यहाँ पे, इसमें अब आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड में आना है, सॉरी राइट साइड में आने के बाद परमालिंक चेक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये परमालिंक यहाँ पर क्या शो हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा लिंक नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे डोमेन के बाद में ये टाइटल शो हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार पब्लिश कर देंगे। ओके, पब्लिश करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि यही लिंक यहाँ पर आ रहा है। तो अब हमें इस चीज को चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि यही लिंक यहाँ पर शो क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक बार हमारे डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से सेट कर रखा है हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमने क्या सेट कर रखा है।
यहां पर हमने दिक्कत ये हो गई कि हमने प्लेन में सेलेक्ट कर रखा है, हमको यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग्स में आए हम, परमालिंक्स में आए और हमने पोस्ट नेम में इस पर क्लिक किया और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। पोस्ट नेम में रखना पड़ेगा ताकि हमारे डोमेन के बाद जो भी पोस्ट का टाइटल होगा वो हमें दिखाई देगा। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे पोस्ट में जो हमने पब्लिश किया था, यहाँ पे आ जाते हैं, इस पर हम वापस एडिट करेंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पोस्ट में कोई डिफरेंस आया कि नहीं आया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर URL लग के अंदर ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं www.dmcombat.xyz/how-to-design-a-professional-resume-2020। ओके, तो हमने अब ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे URL में ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं URL। इस URL से हमारी जो पोस्ट है वो दिखाई देगी। तो मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ, तो देखिए ये हमारी पोस्ट है, हमें ऐसा दिखाई दे रही है। अब इस पोस्ट के URL में हमारा कीवर्ड होना चाहिए, ये SEO के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इसलिए हमने ये चीज किया, URL में होना चाहिए। अब देखिए, अब मेन मेन चीजें तो हमने कर दी है, अब एक फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्ड इमेज सेट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी फीचर्ड इमेज हम सेट करें, फॉर एग्जाम्पल ये वाली ले लेते हैं ऐसे ही फॉर डेमो। अब यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो ऑल टेक्स्ट है, ऑल टेक्स्ट के अंदर हमें यही कीवर्ड रखना है फिर से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसके ऑल टेक्स्ट में ये कीवर्ड होना चाहिए क्योंकि गूगल जो है वो इमेजेस को देख नहीं पाता है, वो सिर्फ इसके ऑल टेक्स्ट को पढ़ पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर करनी है। और मैं एक चीज बताना भूल गया, यहां पर AA1final.jpg जो मैंने लिखा हुआ है, ओके, तो यहां पर भी आपको इसको इसी ये उसका नाम था, फाइल का नेम था ये, इस फाइल नेम को भी आपको इसी से रीनेम करना था, जो कि मैंने करके आपको बताया नहीं, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अपलोड करने से पहले हमें इसको रीनेम करना होता है, मैं इसे मिस हो गया, लेकिन आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद सेट फीचर्ड इमेज, तो हमने वो सेट कर दिया है, ओके। ये फीचर्ड इमेज एग्जैक्टली होता ये है कि ये एक थंबनेल होता है, जैसे यूट्यूब वीडियो में थंबनेल होते हैं ना, वैसे यहाँ पर हमारे पोस्ट के लिए एक थंबनेल होता है ये, ओके। ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ देख सकते हैं एक्सेप्ट लिखा हुआ है। अब गाइस, एक्सेप्ट रखना कोई कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब अपना जो ये जो होता है पोस्ट होता है, पोस्ट में से पहले दो तीन लाइनों को हम ले लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे और जहाँ पर भी फुल स्टॉप आ रहा है, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसको एक बार फुल स्टॉप डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना लंबे सेंटेंस वैसे भी नहीं रखते, ठीक है। ये ले लेंगे हम और इसको एक्सेप्ट में डाल देंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कहाँ गया, ये रहा, एक्सेप्ट में डाल देंगे। अब होगा क्या कि आपका जो ब्लॉग पेज होगा, ब्लॉग पेज पे सिर्फ इतना दिखेगा, उस पर क्लिक करके जब आप उस पोस्ट को ओपन करोगे तब जाके पूरा पोस्ट दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम एक्सेप्ट डालते हैं, ये आपके पोस्ट की एक समरी जैसी होती है जो बाहर से दिखती है, जब तक आपके पोस्ट को कोई ओपन नहीं करेगा तब तक उनको सिर्फ यहां तक पढ़ने को मिलेगा, और जैसे ही वो पोस्ट को ओपन करेंगे यानी कि रीड मोर पर क्लिक करेंगे या फिर इसके टाइटल पर बाहर क्लिक करेंगे तब वो आ जाएगा यहाँ पर पूरे पोस्ट में वो आ जाएगा, ठीक है। अब अलाउ कर कमेंट्स अलाउ करना है कि नहीं करना, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें, ये जो मेन SEO से रिलेटेड चीजें थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और इसके अलावा कहीं पर आपको इमेज अपलोड करना है तो सिंपल सी बात है, आपको जैसे मैंने पेज क्रिएट करते टाइम भी बताया था, जहां पर भी आपको वहां से एक एंटर दबा दो, एंटर दबाने के बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज का ऑप्शन मिल रहा है, इमेज यहाँ पर एक ब्लॉक यहाँ पर आ गया है। अब आपको राउंडेड चाहिए, डिफॉल्ट चाहिए, आप देख रख सकते हो, मैं तो हम कभी भी राउंडेड प्रिफर नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पूरे पोस्ट का जो लुक होता है वो बिगाड़ देता है। तो इसलिए अपन अपलोड पे जाएंगे और वापस कोई इमेज यहाँ से उठा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये उठा लिया और हमने इसको यहाँ पर डाल दिया, ओके। तो अब ये काम हो गया हमारा, तो हमने इमेज डाल दिया, ये सारी चीजें हमारी हो गई है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डालना है तो सारे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर आपको पैराग्राफ, तो खैर पैराग्राफ तो हमने ऑलरेडी डाल दिया, कोट चाहिए तो कोट रख सकते हो, पेज ब्रेक कर सकते हो, कि मतलब पेज ब्रेक का मतलब ये होता है पेजिनेशन आ जाता है उससे, पहले पेज पे आपको सिर्फ यहां तक पढ़ने को मिलेगा और सेकंड पेज पे आपको बचाव पढ़ने को मिलेगा। अब छोटा सा ही पोस्ट है, हम क्या पेज ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो इसलिए ये सारे फंक्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं, पूरा तो मैं एक ट्यूटोरियल में कैसे बताऊंगा, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बता दिया, अब आपको अपने कंटेंट को खुद डिजाइन करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपडेट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा जो पेज है वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, मतलब पोस्ट है वो कैसा दिख रहा है। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा फीचर्ड इमेज था वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और उसके बाद हमारा कंटेंट ये रहा, और कंटेंट के बाद जो हमने इमेज डाला था वो इमेज ये रहा हमारा,
तो यहाँ पर हमने फाइनली सब कुछ कर दिया है और यूआरएल आप चेक कर सकते हैं, जो टाइटल हमने रखा था वो टाइटल है, और ये जो टाइटल है ये हमारा बिल्कुल यूनिक है और इसमें हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट लगा दिया। इस वीडियो में हमने ऑल्ट एट इस फोटो में हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं लगाया था, लेकिन आपको लगाना है, वो मैं बार बार बताऊंगा तो बोर हो जाओगे इसलिए नहीं बोला मैंने, लेकिन आपको लगाना है ऑल्ट एट्रीब्यूट। टाइटल कैप्शन वगैरह जरूरी नहीं है, टाइटल लगाना पड़ेगा आपको कंपलसरी, सॉरी टाइटल तो कंपलसरी है लेकिन आपको कैप्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइटल और ऑल्ट एट्रीब्यूट आपको 100% लगाना है, बाकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, आप लगाना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी कैप्शन की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज हो गई है, हमने पूरी तरीके से एक नए पोस्ट को यहां पर क्रिएट कर लिया है। तो गाइस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।